वहाँ गया हूँ बिल्कुल पास विंडमिल के, और देखते हैं पास से कितना भयंकर, मतलब बहुत ही बड़ा स्पर्धा है ना, इतना सब हवा तेज ना, सब का सब चले मोस्टली, एक दो छोड़ के सब। सब हवा तेज ना, सब का सब चले मोस्टली, एक दो छोड़ के सब चले। बेसिकली ये जो विंड मिल्स वगैरह लगाए गए हैं सैंड में, एक्चुअली होता क्या है, जो जितना इधर सैंड है तो जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बनती है, इट मीन्स डैम वगैरह जिधर होता है उधर तो बन जाता है, बट सैंड में ना रिवर है ना कुछ है ना कुछ है, तो उसके लिए यहाँ पर टर्बाइंस लगा जाते हैं। टर्बाइंस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सैंड एरिया। तो जितने टर्बाइंस है ये सब जितना तेज घूमेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो चाहे जितना भी बंजर जमीन जितना भी सैंड हो, ये जो टर्बाइन से घूमते इतने विशाल होते हैं कि एक बार में बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंडिया में क्या यूएसए में एक सबसे बड़ा टर्बाइन सुनो जाने कितने डैम के बराबर अकेले ये करता है, और ये इतने टर्बाइन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है सब। तो आ गए हैं विंड मिल के बिल्कुल करीब, और देखते हैं पास से इसका सीन क्या गजब का दिख रहा है, कि वीडियो में पास दिखा लेकिन ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा, देखने में डर जैसा लग रहा है। और टावर यहाँ नीचे से गया है और बिल्कुल ऊंचाई के साथ ऊपर की तरफ विंडमिल पार्क बेहद नज़दीक आ गए हम लोग, चल रहा हूँ देखने पास से कैसा लगता है। इतना बड़ा इसका साइज है, ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम, देखता हूँ पास से फिर कैसा है। यहाँ से यार गजब का डरावना लग रहा है सीन, पास से ऊपर से, और जो एकदम खौफ बना दे बना, यह गजब कम, यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल एकदम विंड मिल के पास हूँ और धीरे धीरे ऊपर तक किया गया है। बेसिकली हम जानते हैं विंड मिल्स के बारे में, बुक्स में पढ़े हैं, टीवी पे न जाने कहाँ कहाँ पे देखे, लेकिन विंड मिल का मेन पर्पस यही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इट मीन्स कि डेजर्ट एरिया में डैम तो होता नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर ये दोनों ना तो बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते, उसी के लिए बनाया था। और इतने सारे यहाँ हैं, हम बोलते हैं पूरा जैसलमेर से लेकर यानी कितने शहरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा, और देखने में गजब कल लग रहा है, टीवी में देखने में, बुक्स में देखने में और रियल में बहुत अंतर है। सो देखते हैं आगे का, मुझे पूरा कितना भयंकर लग रहा है देखने में, कितना बड़ा बड़ा बहुत ऊँचाई, तो बिल्कुल भयावह बड़ा था। चल रही सामने वाला, इसका जो विंग्स है ये बहुत ही बड़ा लग रहा है, बिल्कुल नीचे तक है। जो सामने वाला है उसका एक बार विंग्स देखिए, टावर से काफ़ी ऊँचे, और ये है इसका आधा से भी ज़्यादा इसका विंग्स आ जा रहा है, तब इसका इतना बड़ा, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग देखेंगे पास से जाने पे, और देख रहे हैं पास से इसका व्यू कैसा आता है। चल रहे बिल्कुल डेजर्ट की तो जो डायना है टावर से भी बड़ा है, देखिए उसमें जो थे उसके डायना टावर से बाका फिर रहा, लेकिन इसका आधा से भी ज़्यादा बड़ा है। वहाँ गया हूँ बिल्कुल पास विंड मिल के, और देखते हैं पास से कितना भयंकर, मतलब बहुत ही बड़ा इसका डायना, इतना बड़ा है कि अनबिलीवेबल, और देखते चल रहा हूँ कैसा आता है विंड मिल का सीन, और मज़ा आने वाला है देखकर। तो बिल्कुल पास पावर स्टेशन के रेंज इसका ये पूरा तार वगैरह गया है, और यहाँ से विंड ये रहा एकदम बिल्कुल भयंकर, एकदम भयंकर वाला सीन,
इसका साइज इतना बड़ा है, वन से हम दिखा रहे साइज तो कम साइज कंपेरिजन करके साइज दिखा रहे आपको। देखिए ये रहे भाई साहब, और इनके कंपेरिजन में देखिए विंडमिल का पंखा, अब इतना बड़ा इसका साइज है कि क्या गजब का सीन आ रहा, एकदम भयंकर जितना। तो विंडमिल के बिल्कुल पास इसका आवाज़ गजब आ रहा है भाई, भयावह जैसा इसका आवाज, इसका डाय एकदम आधे पास आ रहा है, क्लियर दिख रहा होगा। और ये विंड मिल्स के पीछे इसका पीछे की तरफ से पूरा सीन है इसका, इतना बड़ा है मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, गजब। अब थोड़ा सा सही दिख रहा होगा इसका, आप छोटा करके वीडियो बनाना पड़ रहा है तो पूरा आ भी नहीं पाएगा, लेकिन सच में गजब का सीन है पीछे से। और ऐसा उधर का पूरा विंड मिल पार्क आस पास इधर तक सब यही है, इतना दूर हम लोग होते चले जाएंगे बस विंडमिल पार्क का ही सीन है हर तरफ, उधर भी है काफ़ी। बस धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से हो गया विंडमिल का, और ये जितना पूरा डेजर्ट का ये जो माउंटेन एरिया थोड़ा थोड़ा है बिल्कुल पथरीला ज़मीन, और जो प्लेन एरिया उसमें डेजर्ट है, मीन्स की सैंड है, पूरा डेजर्ट पथरीला सैंड है, और इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ सैंड इट मीन्स पथरीला ज़मीन पूरा है। और यही विंडमिल पीछे के एरिया से पीछे से दिखाएंगे ऐसा चलते हैं।